तो बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासी पारा इस वक्त बहुत हाई है। सियासत के बड़े बड़े सुरमा बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नीतीश सरकार पर दरबार को मदद नहीं करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव को बाबा के दरबार में आने का न्योता मिल गया है और जिसे तेजस्वी ने ठुकरा दिया है। जिसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि वो सिर्फ इफ्तार पार्टी में ही जाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करने बिहार क्या पहुंचे, यहां भक्तों की लाइन लग गई। पटना में प्रचंड गर्मी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर सरकार का प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पंडाल के अंदर तिल रखने की जगह नहीं है। पटना में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की एक झलक देख कर तो विरोधियों को शॉक लग गया है। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले आरजेडी और खास तौर पर तेज प्रताप यादव ने जोरदार विरोध किया था। उनके अलावा भी कुछ और आरजेडी नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में रोकने का दावा तक कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में हैं, लेकिन अब भी इस पर घमासान मचा है और इसकी वजह है उनका हिंदुओं को एकजुट करने वाला प्लान। पटना में अपनी कथा के पहले दिन ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे, राम जी अपने आप संयोग बना देंगे। जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़े थे, वैसे ही हिंदू राष्ट्र के लिए कड़ियां जोड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। बाबा की इस हुंकार से बिहार का सियासी पारा हाई है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल होने जा रही है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर बाबा बागेश्वर को सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रही है। समिति के लोगों ने अपने स्तर से हर वो व्यवस्था करने की कोशिश की है और किया भी है। सरकार शासन का सहयोग न होते हुए भी इतना बड़ा आयोजन हुआ। इसके अलावा मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर मिल चुके हैं। भावना है, भावना को कैसे रोकिएगा भाई, अपनी बात कह रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाबा से मिलने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि बाबा से मिलने के सवाल को तेजस्वी टाल गए। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाने के सवाल पर तेजस्वी की कन्नी काटने पर बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी को इफ्तार पार्टी में जाना पसंद है। ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता, वो हनुमंत कथा को, हनुमंत कथा में वोट नहीं है। वैसे तेजस्वी अपने बड़े भाई के उलट धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सॉफ्ट हैं और इसकी वजह है वो भीड़ जो इस चिलचिलाती गर्मी के बीच बाबा के दरबार में उमड़ रही है। इसी भीड़ को देखने के बाद तेजस्वी बाबा का विरोध कर हिंदू वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इन सब के बीच खबर है कि लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से अर्जी लगाई है।
इसमें भी वो कटाक्ष करने से नहीं चुकी। रोहिणी ने ट्वीट के जरिए बाबा से अपनी अर्जी लगाते हुए बाबा बागेश्वर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी करवाने की मांग की। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री नेता नहीं है, लेकिन उनके हिंदुओं को एकजुट करने के नारे से विरोधियों को मिर्ची लग रही है। धीरेंद्र शास्त्री तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, बस घोषणा बाकी है। दरअसल विरोधियों को तकलीफ बाबा के दरबार में पहुंच रही भीड़ से है और इसे देखते हुए वोटों की चिंता होने लगी है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार के पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्य दरबार सजा है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं क्योंकि ये भीड़ है जो कम होने का नाम ही नहीं लेती है। बाबा खुद अपील कर चुके हैं घर पर बैठिए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आज भी पहुंच गए हैं। बजाएंगे वेस्ट इंडीज वाले, ओ सीता राम है नो भक्तों की भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पटना में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने न्यूज 18 की टीम को बड़ा चैलेंज दे दिया। न्यूज 18 की टीम ने पर्ची पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब पहले से ही लिखे होने की आशंका जाहिर कर दी। और फिर क्या था, इसी के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चुनौती दे दी कि जिसे बुलाना है बुला लीजिए। पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा था। भक्तों की भीड़ इतनी कि तिल रखने भर की भी जगह नहीं थी। इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने न्यूज 18 की टीम को मंच से ही चुनौती दे दी। आपकी क्षमता नहीं है, हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है उसके अलावा तुम किसी को ले आओ। अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ दो। एक बार फिर सुनिए कि धीरेंद्र शास्त्री ने न्यूज 18 की टीम को मंच से क्या चैलेंज दिया। न्यूज 18 वाली बहन जी, हमने दूसरा पर्चा बना लिया, इस पर्चे का नंबर पढ़िए स्क्रीन पर। दो, अभी हमने दोनों पर्चे बना लिए हैं, इसको बंद करके रख दिया और ये हमने दफ्ती दी और ये दफ्ती भी रख दी है। अब आप जहाँ जाएंगी जिनको उठाएंगी उन्हीं के ये दो पर्चे बने हैं और जिनको आप भेजेंगी और उसके लिए जौन सा भी नंबर आप बोलेगी उसी के लिए वही नंबर निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है उसके अलावा तुम किसी को ले आओ। अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ दो। धीरेंद्र शास्त्री ने बिना किसी को बुलाए पहले ही दो पर्चे लिखे थे। इसके बाद उन्होंने न्यूज 18 की टीम को चैलेंज दिया कि वो भीड़ से किन्हीं दो लोगों को लेकर आएं और उन्होंने जो पर्चे पहले ही लिखे हैं वो उन्हीं दोनों के निकलेंगे। पंडाल में भीड़ इतनी थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था।
हर किसी की कोशिश बाबा तक पहुंचने और अपनी पर्ची निकलवाने की थी। पीछे बैठे लोग आगे आकर किसी तरह बाबा तक पहुंचना चाहते थे। भीड़ के बीच चलना आसान नहीं था, फिर भी न्यूज 18 की टीम मंच के नीचे जुटी भीड़ के बीच पहुंचने की कोशिश करने लगी। न्यूज 18 की टीम पहले एक महिला को लेकर बाबा तक पहुंची, इसके बाद जो हुआ वो देखिए। इनमें से जिनको आपको पहले भेजना हो रोगी को ही बैठा दो, इनको घर आ जाना। दोनों हाथ उठाओ बस, अब देखते हैं इनका पर्चा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन जीतता है। हमारे हनुमान जी सदा जीतते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा नजदीक बैठिए। क्या नाम है रोगी का तुम्हारा? माई जन, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? पहले नंबर का ही खोलिए। एक नंबर? हाँ। फाइनल? हाँ। ये दो? एक ही खोलिए। एक? क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी एक नंबर का खोला। हाँ। दो तो नहीं खोलवाना? दो इनके लिए। अच्छा ठीक है, ये कितना नंबर? जी बालक पढ़े लिखे हो? हम पढ़ के बोले, विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई है, गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। इसके बाद दूसरी महिला को मंच पर बुलाया गया, जिसे न्यूज 18 की टीम ने भीड़ में से चुना था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस महिला की समस्या भी उसके पूछने से पहले ही बता दी। बाबा की पर्ची पर इस महिला की समस्या भी पहले से ही लिखी थी। उन अपराध का प्रायश्चित करना चाहती, और आपने ये भी मन में कहा था कि हमारे अपराध को माइक से ना बोला जाए, केवल आशीर्वाद भर कर दिया जाए। तो जाओ बालाजी ऐसी दया करें कि आप सतत भगवान की भक्ति करती। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार दावा करते रहे हैं कि वो बिना बताए ही लोगों की समस्याएं जान लेते हैं, और ये सब हनुमान जी की कृपा की वजह से होता है। बाबा बागेश्वर से अपनी पर्ची निकलवाने के लिए बिहार के कोने कोने से लोगों का पटना पहुंचना जारी है। पंडाल में भारी भीड़ की वजह से प्रशासन और आयोजक मंडल के लिए भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे बालन की भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी सीताराम। अरे ओ साधु जी सीताराम। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले दयालु श्री सीताराम जी सरकार, जिनके कृपामय स्वभाव से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल श्री सीताराम जी सरकार भगवान के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम